गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव सीन कि व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स दैट एवरी कंपनी हैज टू गिव इट टू द स्टेक होल्डर्स, राइट। सो हमने देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है, कैश फ्लो है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स है, ऑडिटर रिपोर्ट्स है। लास्ट क्लास हमारा पूरा डिस्कशन ऑडिटिंग में चला गया था। इट्स सिंपली इट्स लाइक कि काम किसी और ने किया, वेरिफिकेशन कोई और कर रहा है, तो उसमें ऑथेंटिसिटी, क्रेडिट वर्दीनेस, ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ जाता है। कंपनी में पैसा कोई और लगाता है, चलाता कोई और है, राइट। सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, राइट। एवरी वर्क इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कंपनी के केस में इन ऑर्डर टू प्रूव क्रेडिट वर्दीनेस, उसका अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जाता है एक इंडिपेंडेंट आदमी से। वो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो वो अपना काम कैसे करता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, राइट। ऑडिट प्रोसीड्योर करेगा, उसे ऑडिट एविडेंस इकट्ठा होगा, वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है, ये रीजनेबल अश्योरेंस है, क्योंकि ऑडिटर जो ऑडिट प्रोसीड्योर्स करता है वो सैंपल पे करता है, पूरा पॉपुलेशन पे नहीं करता है। चार टाइप का ओपिनियन ऑडिटर दे सकता है। क्लियर ओपिनियन, सब कुछ सही है, क्वालिफाइड, सब कुछ सही है सिवाय कुछ कुछ के, एडवर्स कुछ भी सही नहीं है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में, इट इज लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। 15 साल का तजुर्बा है मेरा ऑडिट करने का। इफ यू डोंट गिव मी बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज योर ड्यूटीज, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में राइट्स ड्यूटीज लिखा रहता है, राइट। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे को दिया ही नहीं तो मैं ऑडिट कैसे करूं, मैं वेरीफाई कैसे करूं, हाउ कैन आई गिव माय ओपिनियन, राइट। तो ये काफी सारा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास किया था। एज प्रॉमिस्ड टुडे वी हैव 2-3 कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट विद अस, नॉट द फुल एनुअल रिपोर्ट बिकॉज इट टुडे आई सॉ एक यूके बेस्ड कंपनी है, टॉप यूके बेस्ड कंपनी शेल, 450 पन्ने का एनुअल रिपोर्ट। सो मैंने उसमें से कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिया है, आई हैव टेकन फ्यू एक्सट्रैक्ट्स, राइट, एंड आई जस्ट शो यू व्हाट आर डिस्कशंस वी हैव डन, बिकॉज जब आप आगे काम करने जाएंगे आपको इस टाइप का इंफॉर्मेशन मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू एनालाइज द डेटा, राइट। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको देख के समझना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, ये शेल कंपनी है, राइट, ये यूके की कंपनी है। देखिए इसका इसका कंटेंट देखिए आप लोग, इतना सब कुछ है इसमें, लाइक स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट। पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं, शायद मैंने लास्ट क्लास ही आपसे डिस्कस भी किया था, हम लोग को खाली फाइनेंशियल फिगर से मतलब होता था। प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो प्रॉफिट अच्छा दैट डजंट मीन कि कंपनी अच्छी है, राइट। मे बी द कंपनी हैज अर्न दैट प्रॉफिट अनएथिकली, मे बी कंपनी ने कुछ गलत रास्ता अपनाया है एंड एज अ रिजल्ट कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अच्छा है दैट डजंट मीन द कंपनी इज गुड। इंडिगो, फ्लाइट कंपनीज और भी बहुत सारी है, मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर हूं नहीं, तो ऐसा आप लोग मत सोचिएगा मैंने एक ही कंपनी का नाम लिया है। वी हैव एयर इंडिया, विस्तारा और अन्य एयरलाइन कंपनी है, उनका प्रॉफिट फिगर से उनका परफॉर्मेंस जज करना, कितना फ्लाइट ऑन टाइम पहुंचता है, सर्विस कैसा है, कितना फ्लाइट कैंसल्ड हुआ, राइट, काफी सारा चीज मैटर करता है। कहने का मतलब है जब मैं किसी स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं खाली फाइनेंशियल फिगर्स कम्युनिकेट करूंगा तो नहीं चलेगा, मेरे को नॉन फाइनेंशियल चीजें भी बतानी पड़ेंगी आपको, आपका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। जैसे हमारा अभी हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वन ऑफ द टॉप, इतना सारा सर्विसेस आई डोंट थिंक यू कैन थिंक ऑफ, 1-to-1 मेंटरिंग से लेके, क्वेश्चन आंसर फोरम से लेके, एमसीक्यू प्लेटफॉर्म से लेके, इंडस्ट्री एक्सपर्ट क्लास, मेन फैकल्टी क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इफ यू फॉलो द प्रोसेस यू डोंट नीड टू थिंक,
द प्रॉब्लम इज डिसिप्लिन. अगर आपके पास प्रॉपर डिसिप्लिन है, मैं जेवियर से पढ़ा हूं, 5:30 बजे मैं उठता था, 6 बजे मैं कॉलेज जाता था, 6 से 10 मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, 8 बजे हमारा ब्रेक होता था, हमारा कॉलेज के बाहर में इडली वाला था, उससे हम लोग इडली खाते थे, देन 10 बजे मैं निकलकर 11 बजे तक घर, मस्त दाल भात आलू का चोखा खाया एंड देन सो जाता था. 3:30 बजे मैं जो उठता था, ट्यूशन जाना रहा तो ट्यूशन गया, पढ़ना रहा तो पढ़ा, 9 बजे तक पढ़ता था, 1 घंटा इधर उधर एंटरटेनमेंट, अगेन गो टू स्लीप. तो दिस इज द डिसिप्लिन विच आई हैव फॉलोड फॉर 3 years ऑफ माई कॉलेज लाइफ. कैन यू फॉलो दिस डिसिप्लिन? क्योंकि मेरे को मालूम था मैं स्टूडेंट हूं, मेरा कर्तव्य खाली पढ़ना है. मैंने कॉलेज भी अटेंड किया है, मैं सोने में मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, 12 घंटा मैं सोता भी था, लेकिन मैं जो 3-4 घंटा जो पढ़ता था डेली, दैट वॉज एनफ फॉर मी. एंड दिस इज द रिजल्ट, मैंने अपना सीए क्लियर किया. और लास्ट ईयर मैंने यूएस का सीपीए किया, उसमें भी मेरा ये डिसिप्लिन था. मैं जॉब में था, ये मेरे लिए जॉब ही है यहां का, मैं सब कुछ देखता हूं, राइट, क्लासेस भी लेता हूं, तो मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने डिसिप्लिन बनाया था, मैं 1 घंटा डेली पढ़ूंगा. एंड इट गेव मी रिजल्ट. 6 months मैं यूएस का भी सीए बन गया. अभी मेरे को वीजा ने रोक रखा नहीं तो मैं कब का चला जाता. बस सुनो द लेटर, आई गेट द वीजा एंड होपफुली आई लैंड इन यूएस इन नियर फ्यूचर. ठीक है, सो एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, नो पॉइंट. तो कंपनी खाली प्रॉफिट फिगर्स के बारे में सोचेगी तो नहीं चलेगा, उसको नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को भी जज करना पड़ेगा. आज हमने बोल दिया हम लाइव क्लास कराएंगे, लेकिन वो लाइव क्लास में हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं उस पर भी मैटर करता है. भले लाइव क्लास 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी विच मैटर्स, इट इज द क्वालिटी विच ऑल्सो डू मैटर्स अ लॉट, राइट. बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में एक एक सब्जी का दे चार्ज 1000, क्वालिटी है, सर्विस है, राइट. सो अगर आप देखेंगे किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, तो दे हैवंट फोकस्ड कंप्लीटली ऑन फाइनेंशियल फिगर्स. बहुत सारा पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस होता है, कम्युनिकेट किया जाता है. देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, चेयरमैन का मैसेज है. मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं 400 पन्ना डिस्कस करूं, जस्ट आई विल गिव यू स्नैपशॉट हु वी आर, आवर स्ट्रैटेजी, हाउ वी क्रिएट वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट. परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इस परफॉर्मेंस इंडिकेटर में फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल. मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में. बैलेंस स्कोर कार्ड अगर आप इंप्लीमेंट कर पाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. हमने लर्निंग एंड ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया. आज जो मैं आपको इतना ज्ञान दे पा रहा हूं ना, इट इज जस्ट बिकॉज वी आर इन कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग. वो दिन था, मैंने पढ़ाई किया, फिर मेरे सिस्टर ने पढ़ाई की, फिर मेरा भाई पढ़ाई किया, फिर मेरा छोटा भाई पढ़ाई किया, ऐसे करके हमारे घर में सब पढ़ लिए. अभी हम लोग सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में. वी आर नॉट इनटू बिलियनियर्स बट वी आर डूइंग गुड. सो व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड, व्हाट मेड यू थॉट ऑफ डूइंग यूएससीपीए? लर्निंग ग्रोथ. अगर आप लर्न हो करेंगे अपने आप को, अपने आप को सेल्फ ग्रो करेंगे, अपग्रेड करेंगे. आप सबके पास लैपटॉप होगा, आप लोग ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं, उसमें विंडोज है. बीच बीच में सिस्टम में आता है ना, अपग्रेड करो अपग्रेड करो, राइट. अपग्रेडेशंस का ऑप्शन ज्यादा, क्योंकि व्हेन यू अपग्रेड अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, मोर फीचर्स आर गेटिंग एडेड.
तो जब तक आप अपने आपको लर्निंग स्टेज में नहीं लाएंगे तो आप ग्रोथ के बारे में सोच नहीं सकते. लर्निंग होने से क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन आई गेट माय सेल्फ लर्न अपग्रेडेड, आई कैन ऑटोमेट द बिजनेस प्रोसेस. पहले हमारे यहां पे सारा काम मैन्युअली होता था, व्हाट्सएप ग्रुप था हमारे यहां पे, व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें बच्चे डाउट्स भेजते थे, व्हाट्सएप पूरा फ्लडेड हो जाता था. इट इज बिकॉज आई हैव लर्न्ड माईसेल्फ, मैंने अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट किया, मैंने जो यूएससीपीए का कोर्स किया उसमें मैंने ऑटोमेशंस के बारे में सीखा, उसमें मैंने बिजनेस प्रोसेसेस को अच्छा करना सोचा. पहले हमारे हम लोग 24 घंटा काम करते थे, 24 आवर्स वी वेयर वर्किंग, गधा की तरह एकदम. हमने भी सब चीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाया है. अभी आप पेमेंट करते हैं 15-20 मिनट में आपको यूजुअली सारा डिलीवरेबल्स मिल जाता है. आने वाले कल में वंस यू मेक द पेमेंट विद इन 5 सेकेंड्स एवरीथिंग विल गो टू यू. तो जब आपका लर्निंग होता है ना तो आप बिजनेस प्रोसेस को प्रॉपरली आप इंटीग्रेट करते हैं. इससे क्या हुआ, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. लर्निंग एफिशिएंसी, राइट, पहले बार लर्निंग हो गया, उसके बाद एफिशिएंसी पे मैंने काम किया, इससे मेरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हुआ. कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होने से क्या होगा मालूम है, मेरे को रिपीटेड ऑर्डर्स आएंगे. आज जो बच्चा हमसे CM1 या CB1 क्लास करेगा, ये मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं वो कहीं और नहीं जाएगा, वापस उसको यही आना है. सो मेरे को ऑटोमेटिकली रिपीटेड ऑर्डर्स मिल रहा है. सो बैलेंस स्कोर कार्ड बोलता है कि प्रॉफिट के बारे में मत सोचो. हम लोग कभी भी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं. ऑटोमेटिकली फर्स्ट यू नीड टू डू लर्निंग, उससे आपका बिजनेस प्रोसेस अच्छा बनेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एंड व्हेन एफिशिएंसी इंप्रूव्स ऑटोमेटिकली क्वालिटी विल इंप्रूव, एंड वंस क्वालिटी इज इंप्रूव्ड फाइनेंशियल फिगर्स विल शो यू. इतना बड़ा बड़ा कंपनी इतना बड़ा कैसे बनता है, दे आर वर्किंग ऑन देयर लर्निंग. स्टूडेंट को यह लगता है कि मैं CM1 में कैसे भी करके 60 ले आऊं, CB1 में 60 ले आऊं, नहीं, 60 इज नॉट द टारगेट, बॉर्डर लाइन इज नॉट द टारगेट. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड बॉर्डर लाइन, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू लर्न योर सेल्फ. व्हाई डू वी गिव रिकॉर्डेड लेक्चर्स व्हेन वी आर टीचिंग लाइव, जस्ट बिकॉज यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ट्वाइस. वाई डू वी टेल आवर स्टूडेंट्स कि आप क्लासेस एक हफ्ता बाद शुरू होने वाला है, दो हफ्ता बाद शुरू होने वाला है. किसी ने भी अभी तक CB1 में सबको मोटा मोटी मालूम चल गया सर ने चैप्टर 9 से शुरू किया, किसी ने भी घर पर रिकॉर्डेड लेक्चर देखा? अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख के हमारे क्लास में आता तो उसकी क्लैरिटी और बढ़ती. लर्निंग से आपका बेस बढ़ेगा. CM1 CS1 आर द पिलर्स ऑफ एक्चुअल फाउंडेशन. ये दो पेपर मिला के 11 का बेस बनेगा. आगे जब आप CPSP पेपर करेंगे तब आपको और सब समझ में आएगा. लर्निंग होने से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी से क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव होने से प्रॉफिट आपके सामने आएगा. दिस इज वॉट बैलेंस स्कोर कार्ड इज ऑल अबाउट, राइट. सब चीज के बारे में पूरा स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन है यहां पे एनुअल रिपोर्ट में, राइट. इस तरफ अगर आप देखेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस, डायरेक्टर्स का बात करो, इसके बोर्ड में कौन कौन है, इसका कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड है यूके का, बोर्ड की एक्टिविटीज मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजिंग विथ आवर स्टेक होल्डर्स. आपको शायद याद होगा मैंने आपको ऑडिट कमिटी के बारे में बताया था, सस्टेनेबिलिटी कमिटी, सोशल
इकोनॉमिक, इस टाइप की बहुत सारी कमिटी होती है कि आपने स्टाफ वेलफेयर के लिए क्या किया, जनरल पब्लिक के लिए आपने क्या किया. जैसे रतन टाटा, ही डज लॉट ऑफ एक्टिविटी फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन का क्या पॉलिसी है. जैसे अगर आप इंडियन कंपनी लॉ देखेंगे ना, वहां पे 11% ऑफ नेट प्रॉफिट इज द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दैट यू कैन गिव टू द डायरेक्टर्स, राइट. देन कम्स ऑडिट रिपोर्ट. देख रहे हैं आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस तरीके से आपको पूरा एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स में काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको स्टेक होल्डर्स को देना पड़ता है, राइट. मैं आपको कुछ कुछ दिखाऊंगा अभी. जैसे ये देखिए चेयरमैन का स्पीच है, राइट. क्या इसका विजन है, पूरा एक्सप्लेन्ड है यहां पे. नेट जीरो एमिशन एनर्जी बिजनेस बाय 2050 विजन लेके चल रहा है. हमारा भी एक विजन है जो हमने रिसेंटली अपने में इंकल्केट किया है कि कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको हम लोग 4 साल में एक्चुअली बनाएंगे, जिन्होंने अभी प्लस टू दिया है. आई डोंट नो इट माइट, अगर मैं ये पब्लिकली ये चीज बोल दूं, हालांकि मैं पब्लिक में हूं, लोग बोलेंगे पागल हो गया, इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है, इंडस्ट्री का इसको नॉलेज नहीं है. ठीक है, नींद मेरी तो सपना भी मेरा होगा ना, मैं तुम्हारा क्यों देखूं, राइट. तो इस तरीके से यह चेयरमैन का पूरा स्पीच है. सेफ्टी परफॉर्मेंस देखो क्या लिखा है यहां पे. 4 कॉन्ट्रैक्टर का डेथ हो गया, कौन लिखेगा ये चीज. इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट्स है, हजारों मजदूर काम करते, तुमको क्या लगता है एक्सीडेंट नहीं होता होगा. हिम्मत देखो, राइट. मैं क्या बोलूं अब, बोर्ड एक्टिविटीज पूरा एक्सप्लेन्ड है. डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पॉलिसी, राइट. काफी सारा चीज के बारे में दे हैव टॉक्ड. टोटल स्पेंडिंग्स क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ऑडिट एंड रिस्क कमेटी रिपोर्ट. ये सब रिपोर्ट्स मैं आपको दे दूंगा, आप घर पे पढ़िएगा. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
ये देखिए, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑडिटर रिपोर्ट, ये बहुत बड़ा 15 पेज का था, मैंने जस्ट एक एक्सट्रैक्ट निकाला है। ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ शेल कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, हैज बीन प्रॉपरली प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद यूएस एडॉप्टेड या तो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, किसी को गोद ले लो, बोला था ना एडॉप्टेड, इन्होंने IFRS को गोद ले लिया। यस और नो? इन अकॉर्डेंस विथ कंपनीज एक्ट, सारा लेजिस्लेशन लॉज वगैरह फॉलो हुआ है, ऑडिटर ओपिनियन देता है, तो इस टाइप का ओपिनियन को क्या बोलेंगे? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। यस और नो? एकदम क्लियर ओपिनियन दिया गया है, कुछ किंतु परंतु नहीं है। क्या क्या चीज ये लोग ऑडिट किया है? मैंने बोला था ना फर्स्ट पैराग्राफ, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किया है। बेसिस ऑफ आवर ओपिनियन, मैंने ऑडिट प्रोसीड्योर किया, उससे सबूत इकट्ठा किया है, एंड जो भी मैंने ऑडिट प्रोसीड्योर किया वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मैंने बोला था ना मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूं क्योंकि तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे को फॉलो लागू होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ISA। ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस इज सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट। सर यू आर टू गुड, वी आर इंडिपेंडेंट, कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मेरे पास सारा नॉलेज है, राइट? मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मेरे पास सारा नॉलेज है, मैं सीए बनने का, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं किसी के अंडर में नौकरी कर लूं या मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूं, राइट? तो मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, क्या मेरे को पीएल बैलेंस शीट बनाने नहीं आता? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं किसी चीज का वेरिफिकेशन कर रहा हूं, इसका मतलब व्हाट डू यू थिंक, मेरे को नहीं आता पीएल बैलेंस शीट बनाना? आई कैन डू कंपाइलेशन वर्क, मैं क्या क्या काम कर सकता हूं मैं आपको बता रहा हूं, मैं कंपाइल कर सकता हूं आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर टू, ऑडिट कर सकता हूं, अटेस्टेशन सर्विस बोलते इसको, क्या बोलते हैं? अटेस्टेशन सर्विस। एक आदमी बैंक से लोन मांग रहा है, बैंक बोलता है पीएल बैलेंस शीट लेके आइए, बोला हां देता हूं पीएल बैलेंस शीट, उसमें उस पीएल बैलेंस शीट में उस बंदे ने सब फैंसी फिगर्स लिख दिया। एक बंदा बैंक से लोन लेने गया, उस बंदे ने पीएल बैलेंस शीट जो जमा किया बैंक में, उसे सब फैंसी फिगर्स लिख दिया, 50 करोड़ का सेल, 10 करोड़ प्रॉफिट, 100 करोड़ के एसेट्स। बैंक बोलता है ऑडिटेड वाला लाइए, किसी से सर्टिफाई करवा के लाइए, इसको अटेस्ट सर्विसेज बोलते हैं। वो बंदा आएगा, पटवारी जी इसमें थप्पा लगा दीजिए ना, 20,000 रुपया आपको दे देंगे हम। पटवारी जी ऐसे थप्पा नहीं लगाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट किया है, मैं तुमको स्ट्रेटेजी बता सकता हूं किसी बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, एडवाइजरी सर्विस। मैं टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकता हूं,
तो कहने का मतलब है आप जिस कंपनी का अटेस्टेशन सर्विस कर रहे हैं उसका आप नॉन अटेस्ट सर्विस नहीं कर सकते, नॉन ऑडिट सर्विस प्रोहिबिटेड है, राइट। गोइंग कंसर्न के बारे में भी रिपोर्टिंग किया गया है। देखो लिख क्या रहा है, वी हैव कंक्लूडेड दैट द डायरेक्टर्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। मैं वेरीफाई कर रहा हूं, मैं ओपिनियन दे रहा हूं, सब कुछ मैं नहीं कर रहा। डायरेक्टर अपना रिपोर्ट में लिखा है गोइंग कंसर्न, उसी के बारे में मैंने बताया हां वो एप्रोप्रिएट है। राइट अब देखो यहां पे पीएल, दिस इज व्हाट, ये पीएल है, ये फाइनेंशियल पोजीशन, राइट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स और ये सारे नोट्स। देखो सारे आइटम के बारे में बात हुई है, सारे आइटम के बारे में, राइट। कुछ कुछ मैं आपको दिखाता हूं, ये पीएल है शेल कंपनी का, ठीक है, दिस इज पीएल। रेवेन्यू मतलब सेल्स, ठीक है, ये इनका इंटरेस्ट अदर इनकम और जॉइंट वेंचर, मतलब समझ लो कि मैंने किसी के साथ कुछ पार्टनरशिप में किया है उसका हिस्सा ये। तो ये इन सब का टोटल करने से ये मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया इतना मिलियन, इतना डॉलर मिलियन। दीज आर माई लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, परचेजेस है, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसको अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लाइक सेलिंग रिलेटेड खर्चा, कस्टमर के घर में माल देके आओ, अकाउंट जो मेंटेन कर रहा है, जो एचआर है, राइट, ये सब मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो ये हमारा परचेज ऑफ गुड्स हो गया, ये हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा हो गया। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में वेजेस आएगा, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस आएगा, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारी कंपनी आरएनडी भी करती है, हम लोग भी कर रहे हैं, राइट। एक्सप्लोरेशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, ये हमारा टोटल एक्सपेंस है, राइट। इनकम माइनस एक्सपेंस गिव्स मी नेट प्रॉफिट। देखो इसको अपने बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स लेस कर दिया, हमारा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस और नो, आ गया हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नॉन कंट्रोलिंग वाला मैं बाद में बताऊंगा, राइट। अब आपको अर्निंग पर शेयर भी बताना पड़ेगा, इसकी अलग से क्लास होगी, राइट। इतना कुछ है बताने के लिए, राइट। सो टाइम टू टाइम वी विल टेल यू विच वीडियोज यू हैव टू सी, राइट, बिकॉज इफ यू वॉन्ट एन एलाबोरेट डिस्कशन वी हैव, राइट। सो हमारा ये पीएल है, ये हमारा टोटल इनकम हो गया, ये हमारा टोटल एक्सपेंस हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट, उस प्रॉफिट से हम लोग पहले सरकार को टैक्स देंगे। क्या देंगे सरकार को? टैक्स देंगे। टैक्स देने के बाद जो बचा वो किसका? शेयर
होल्डर्स का, देखो यहां पे लिखा है ना इनकम एट्रिब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। कितने लोग हैं आप लोग, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं आप लोग? सर हम लोग 10,00,000 लोग हैं। सबके पास कितना 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 शेयर है? हमारे सबके पास एक एक शेयर है, तो 10,00,000 की गिनती में आएगी। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड होता है इक्विटी शेयर्स, राइट, 2.88। तो दो टाइप का अर्निंग पर शेयर होता है, ये अपन बात कर लेंगे। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस। ऑन प्रॉफिट एंड लॉस दिस इज मैंडेटरी टू बी डिस्क्लोज्ड। इसको बोलते हैं ऑन द फेस ऑफ पीएल, क्या बोलते हैं इसको, ऑन द फेस ऑफ पीएल, ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अर्निंग पर शेयर, स्पीड ऑफ अर्निंग हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। इसी को कंपाइल करना हम लोग सीखेंगे। 20 मार्क्स का हमारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, राइट। सर एक बात बताइए, 2023 22 और 21 का क्यों दिया हुआ है? कंपैरेटिव। क्या कंपैरेटिव? यूके का जो कंपनीज एक्ट 2006 है उसमें बोला है 3 साल का कंपैरेटिव बनाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा है 3 साल का कंपैरेटिव पीएल बनेगा। अच्छा इस साल ना रेवेन्यू थोड़ा सा गिर गया है, देखिए एनालिसिस विल स्टार्ट। कंपनी हैज इंक्रीज्ड एक्सपेंस ऑन R&D। यस और नो? इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ गया है, कंपनी ने और बोरोइंग्स किया है। अरे हां अभी तो फैक्ट्री लगाए ना वहां पे, कहां पे, दुबई में फैक्ट्री लगाई है, उसके लिए पैसे चाहिए थे, लोन लिया है, राइट। पूरा पीएल हम लोग सीखेंगे बनाना, हम लोग सिंगल वाला एग्जाम में सिंगल कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है, क्लरिकल काम नहीं कराना है। हमारे इंडिया में ऐसा पीएल फॉलो होता है, इस टाइप का पीएल को बोलते हैं नॉन फंक्शनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको? नॉन फंक्शनल। हालांकि यूके की जो कंपनीज एक्ट है वहां पे फंक्शनल पीएल का फॉर्मेट दिया हुआ है। व्हाट इज फंक्शनल पीएल? सेल से पहले परचेजेस लेस होगा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा तब जाके आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस माइनस अदर इनकम एड, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। इन्होंने क्या किया है, इस टाइप का पीएल का एक ही बड़ा प्रॉब्लम है, एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस आप नहीं कर पाए। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, माल बेच के आपने कितना कमाया, एक होता है माल बेचा मैंने, मैंने कितना कमाया। सून वी विल बी शेयरिंग आवर यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेरी सून, पूरा प्रॉपरली मैं आपको यूनिट इकोनॉमिक्स बताऊंगा कि अगर मैंने बच्चे से 20,000 रुपया लिया है, राइट, उसमें से 4,000 मैंने जीएसटी दिया है, 16,000 में हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, कितना हम लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, कितना हमारा मार्केटिंग स्पेंडिंग्स है, दैट यूनिट इकोनॉमिक्स इज सून वी अवेलेबल पब्लिकली। रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई मेरे को पूछे व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
मैं बता देगा क्योंकि मैं नॉलेजेबल है। परचेस को और मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, इसको और इसको, दिस विल गिव यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। फ्रॉम दैट आई विल सब्ट्रैक्ट दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आई विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो फॉर दिस टाइप ऑफ पीएल एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट। डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन मैं आपको चार तीन कैटेगरी बताता हूं। एक होता है हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा, एक हो गया हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड खर्चा, और एक हो गया हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड खर्चा। जनता से सवाल है, डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस में जाएगा, डेप्रिसिएशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंस में जाएगा, कि डेप्रिसिएशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्सपेंडिचर में जाएगा? बताइए आप लोग, बताइए। भगवान श्री कृष्ण भी इस इंफॉर्मेशन से नहीं बता पाएंगे कि ये किधर जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं डेप्रिसिएशन में प्लांट रिलेटेड इतना है, मोटर व्हीकल रिलेटेड इतना है, फर्नीचर रिलेटेड इतना है, तब आप बता पाएंगे। प्लांट का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा। मोटर व्हीकल, डिलीवरी वैन्स, डोमिनोज हैज देयर ओन बाइक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिज्जा विद इन 30 मिनट्स। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, व्हेन यू ऑर्डर पिज्जाज एट होम डू मेंशन डोंट हरी, 30 मिनट की जगह 45 मिनट ले लो, बट आराम से आना, राइट? तो डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स, डिलीवरी वैन्स, लॉरीज, हैवी गुड्स व्हीकल, ये डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहा है, तो ये मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाएगा। फर्नीचर मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। सो दिस इज नॉन फंक्शनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पीएल का खाली एक ही प्रॉब्लम है, एनालिसिस बिकम्स डिफिकल्ट, रेस्ट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जो आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस होगा, मतलब यहां पे इनकम्स को सारा ऐड करके सारा एक्सपेंडिचर लेस हो रहा है, वहां पे इनकम से लेस प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा ग्रॉस प्रॉफिट, लेस ऑफिस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेस अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम्स नेट प्रॉफिट, इस तरीके से, राइट? सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने पूरा अंडरस्टैंडिंग दिया आप लोग को, जब आप लोग बनाएंगे इट विल बिकम इजी फॉर यू, राइट? वी आर डूइंग अ वेरी गुड डिस्कशन। पीएल का एक और पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पसीना से कमाया हुआ, पसीना बहा के, मतलब दीज आर रियलाइज्ड प्रॉफिट्स। हालांकि मैं मानता हूं इसमें कुछ कुछ सेल ऐसा होगा जो कि क्रेडिट सेल्स है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, इसमें कुछ कुछ सेल ऐसा है जो कि क्रेडिट सेल्स है, मैं मानता हूं इस बात को, पैसे अभी तक आए नहीं तो रियलाइज्ड कैसे हुआ साहब? मुझको भी आता है धंधा करना, मैंने उससे प्रॉमिसरी नोट लिया है। कैसा प्रॉमिस नोट लिया है? गॉड प्रॉमिस वाला नहीं, लिखित बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुमने पढ़ा होगा, जो लोग भी कॉमर्स के स्टूडेंट है दे मस्ट बी नोइंग,
मैंने उससे प्रॉमिसरी नोट लिया है, उसमें लिखा है आई सो एंड सो विल पे यू $20,000 आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ, बिल्स रिसीवेबल, माय कलेक्शन इज सर्टेन, इट इज प्रोबेबल दैट इट विल हैपन, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रिमेंबर, इट इज बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इट इज रियलाइज्ड. मेरे को पैसे नहीं मिले, मैंने क्या बोला, ये प्रॉफिट रियलाइज्ड है. रियलाइज का लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि इतना रुपया तुम्हारे घर पे रखा हुआ है. दिस प्रॉफिट इज रियलाइज का मतलब क्या है, एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, चांसेस ऑफ नॉन कलेक्टिबिलिटी इज वेरी लो. डाउटफुल डेट्स, अगर डाउटफुल डेट्स होता तो वो लेस हो जाता ना. तो ये प्रॉफिट्स क्या है हमारा, रियलाइज प्रॉफिट है. इसी में एक अलग से एक पार्ट आता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव, जनरली दीज आर अनरियलाइज प्रॉफिट्स. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनरियलाइज प्रॉफिट. कुछ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसको आप रिवैल्यू करते, जैसे लैंड, नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसको हमने 2 करोड़ में लिया था, आज उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ हो गई. करिए रिवैल्यूएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, राइट. करेंसी ट्रांसलेशन, हेजिंग, राइट. टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज. रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी एंड ई, मतलब दीज प्रॉफिट्स आर नॉट रियलाइज, इट इज एन अनरियलाइज स्टेज, राइट. तो यहां पे हमारा टोटल आ गया, ऊपर वाला और ये मिला के टोटल, राइट. दिस इज बैलेंस शीट, यू कैन सी नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल, अदर इंटेंजिबल्स, राइट. नाउ गुडविल इज लाइक फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, राइट. फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, मैं बिलियनियर हूं, बन जाऊंगा अगले साल, इतना मन लगा के पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है. आई हैव मेड माई ओन बैलेंस शीट. माई बैलेंस शीट लुक्स लाइक दिस. दिस इज माई बैलेंस शीट. गुडविल 200 करोड़, कैपिटल 200, सेल्फ प्रॉफिट मैंने बना लिया. फ्यूचर प्रॉफिट, मैं ये बैलेंस शीट बैंक को दिया, मेरे को लोन दीजिए, 200 करोड़ का बैलेंस शीट है मेरा. बैंक वाला क्या करेगा मालूम है, बैंक वाला बोलेगा क्रॉस क्रॉस, बोला कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस आपको मालूम है. प्रूडेंस में क्या बोलता है, वी कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट, बोलता है ना. हा, हाउ कैन यू एंटिसिपेट योर फ्यूचर प्रॉफिट एंड शो इन बैलेंस शीट एज एन एसेट. हर आदमी यही करेगा. तो सर इतनी बड़ी कंपनी ये ऐसा काम कर रही है, लोगों को धोखा में रख रही है, नहीं. ये जो गुडविल है ये फ्यूचर प्रॉफिट है, बट इस प्रॉफिट्स के इसने पैसे दिए हैं,
सर पैसे दिए, प्रॉफिट्स आप खरीद भी सकते हैं। हाँ, प्रॉफिट खरीदना कौन सी बड़ी बात है। आज मान लो एक्चुएटर्स का मालिकाना हक कोई खरीद ले, हमको 20 करोड़ रुपया दिया, बोला से मैं देखूंगा, आप सैलरी बताइए आप कितना लेंगे। खरीद लिया, क्या मेहनत करेगा वो, कुछ नहीं, खाली कुर्सी पे बैठा रहेगा, उसके बैंक में पैसा आते रहेंगे। उसके लिए उसने जो पैसे दिए हैं, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर एसेट ही हैज गॉट, बट ही हैज पेड समथिंग एक्स्ट्रा, दैट एक्स्ट्रा इज गुडविल, दैट एक्स्ट्रा इज फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। सेल्फ जनरेटेड आप खुद नहीं दिखा सकते, दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको अपने क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप नहीं दिखा सकते, सेल्फ जनरेटेड आप ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आपने खरीदे हो, दैट इज परचेज्ड, दैट यू कैन शो इन बैलेंस शीट, परचेस्ड गुडविल यू कैन शो इन बैलेंस शीट, राइट। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, एक कंपनी थी जिसका नेट एसेट किसी ने खरीद लिया, तो उसको अपने नेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, नेट एसेट टेकन ओवर, क्या बोलेंगे इसको, नेट एसेट टेकन ओवर। तो नेट एसेट टेकन ओवर कितना है इसका, 20 करोड़। मैंने इस कंपनी को खरीद लिया, अरे मैंने इस कंपनी को खरीद दिया, मतलब क्या खरीद लिया, इस कंपनी के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मेरे हुए। तो एसेट था 25 करोड़ का, लाइबिलिटी थी 5 करोड़ की, तो मैंने 20 करोड़ का नेट एसेट खरीद लिया, ठीक है। खरीदा तो बदले में कुछ दिया होगा, क्या दिया होगा, परचेस कंसिडरेशन, कितना दिया भैया, 22 करोड़। भाई 2 करोड़ एक्स्ट्रा काय दिया, उसका सारा सेटअप किया हुआ बिजनेस है, सारा खून पसीना उसने बहाया है, तो मेरे से प्रीमियम मांग रहा है। सो दिस 2 करोड़ एक्स्ट्रा विच आई हैव पेड, दिस इज गुडविल, राइट। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वेरी सिंपल सर, ये मैं हूं, ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस का नेट एसेट्स है 20 करोड़, मैंने बिजनेस ही खरीद लिया, बिजनेस परचेस्ड, बदले में मैंने पीसी कितना 22 करोड़ दिया, तो मेरा बुक्स में क्या आएगा, माय बुक्स, मेरा बुक्स, मेरा बैलेंस शीट में, मेरा बैलेंस शीट में एसेट्स आएगा 25 करोड़ का, लायबिलिटी आएगा 5 करोड़ का, तो नेट एसेट कितना हुआ, 20 करोड़, हाँ या ना, 20 करोड़ हुआ, गुडविल आएगा 2 करोड़ का, तो ये हमारा बैलेंस शीट है। देखिए बैलेंस शीट में हमको गुडविल दिखाई दे रहा है, तो ये जो गुडविल है ये हमारा परचेस्ड गुडविल है, ऑब्वियसली यहां कैपिटल वगैरह है, बाकी आइटम्स है, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, राइट, दिस इज वेरी सिंपल। मैंने एसेट्स खरीदे हैं 25 करोड़ के, लाइबिलिटी खरीदी है 5 करोड़ की, तो हमारा नेट एसेट हो गया 20 करोड़, लेकिन हमने पैसे दिए 22 करोड़, तो 2 करोड़ का हमारे बुक्स में गुडविल भी आएगा। इस गुडविल को क्या बोलेंगे, परचेस्ड फ्यूचर प्रॉफिट, क्या, तो एग्जाम में आएगा एमसीक्यू में, गुडविल का मतलब क्या है, कोई बोलता है गुडविल इज ब्रांड, गुडविल इज रेपुटेशन, देयर इज नो ब्रांड नो रेपुटेशन, टॉक इन नंबर्स, एक्सेस कंसिडरेशन पेड इज गुडविल, राइट।
सो यू बॉट अ बिजनेस फॉर 20 करोड़ वर्थ, इसका वर्थ कितना है 20 करोड़ का, लेकिन आपने पैसे कितने भरे हैं 22 करोड़, 2 करोड़ सूनापन, वो सूनापन नहीं है, दैट इज द प्रॉफिट, राइट। इज इट फाइन एवरीवन? यस और नो? अदर इंटेंजिबल एसेट में वी हैव पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब, ट्रेडमार्क। अभी आप देखेंगे हमारा एक्चुएटर्स के ऊपर में पहले टीएम लिखा हुआ आता था, अभी हम लोग का आर आ गया है, वी हैव गॉट अवर नेम पेटेंटेड, नाउ नो वन कैन यूज इट, नो वन। राइट तो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, मेरे पास कोई एक फॉर्मूला है, मैंने उसको कॉपीराइट करवा लिया, मैंने किसी प्रोसेस का राइट टू मैन्युफैक्चर कॉपीराइट ले लिया, सो दीज आर माय इनटेंजिबल एसेट्स। मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो मेरा अपना पेटेंटेड हो गया। राइट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मालूम ही आप लोग को, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मैंने बताया था, इक्विटी शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। राइट ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, तो ये हमारा डेटर्स हो गया, और भी बहुत सारे आइटम है, टाइम टू टाइम जब अपने पढ़ेंगे अपने देखेंगे। राइट ये हमारा करंट एसेट में देखिए, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। राइट ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ये भी हमारा डेटर हो गया। सर क्या बोल रहे हैं आप, डेटर करंट एसेट में आता है, ये आप कहीं गलत जगह से डाउनलोड कर लिए हैं, डेटर थोड़ी नॉन करंट एसेट में आता है। डू यू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए करंट एंड ए नॉन करंट? करंट एसेट्स उनको बोला जाता है जिससे अपने को कैश विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ बैलेंस शीट मिल जाएगा, लेकिन काफी सारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में पैसा 12 महीना बाद मिलेगा, तो है तो वो तुम्हारा डेटर, बट वो नॉन करंट एसेट कैटेगरी में आएगा। ये डेटर जो है ये रियलाइजेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, दिस इज नॉट रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स, इफ इट इज विद इन 12 मंथ्स इट विल बी करंट एसेट। सो करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट जो भी आपका हेल्ड फॉर सेल है, काफी सारा एसेट को स्क्रैप करना पड़ता है, तो उसको आप अलग से दिखा रहे हैं देखिए, क्योंकि इसमें गोइंग कंसर्न नहीं है। राइट इधर में लाइबिलिटीज में पहले नॉन करंट लाइबिलिटी, द वन विच इज पेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स, लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, राइट बॉन्ड्स इशूड, डिबेंचर इशूड, दीज आर माई क्रेडिटर्स जिनसे मैंने उधार में खरीदा है। राइट देखिए सर बॉन्ड ऐसा चीज है, जब आप बोरो करते हैं 5 साल 10 साल के लिए बोरो करते हैं, तो बॉन्ड्स आपका करंट लाइबिलिटी में क्यों आ रहा है? सुनिए मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, मंथली किस्ती देता हूं मैं, आया ना, दिस इज पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पोर्शन है, बट रीपेएबल विद इन 12 मंथ्स,
ये वो किस्ती है जो 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना, तो वो तो करंट हो गया। मतलब लोन का मैंने दो हिस्सा कर लिया, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अरे भैया यहां से 12 महीना बाद वाला जो किस्ती है वो मेरा करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट। बहुत सिंपल है, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग, दिस इज इक्विटी शेयर्स इश्यूड। देखिए यहां पे शेयर कम हुआ है इस बार, है ना? मे बी कंपनी माइट हैव डन सम बायबैक। सर पीएल तो 3 साल का था, कंपैरेटिव बैलेंस शीट दो, यही नियम है। यूएस गैप में भी ऐसा होता है कि पीएल 3 साल का दिखाना पड़ता है और बैलेंस शीट 2 साल, राइट। सो IFRS, यूएस गैप, जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, मोटा मोटी सब यही है, सबको अपना थप्पा चाहिए, राइट। अदर रिजर्व मतलब वो वाला अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड पेमेंट। ऑब्वियसली हम लोग डिविडेंड तो पे नहीं करेंगे ना, सॉरी, डिविडेंड पेमेंट करने के बाद का प्रॉफिट ही रिटेन होगा। तो ये रिटेन प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, एंड दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव वाला। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। राइट, ये सब चीज हम लोग बनाएंगे। ये देखो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है कि इक्विटी शेयर में जो बदलाव हुआ वो किस कारण से हुआ। जैसे मैं आपको खाली रिटेन्ड अर्निंग का दिखाता हूं, ठीक है, खाली आपको रिटेन्ड अर्निंग का दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सर यू आर टू गुड। ये देखो मैंने बोला था ना, शेयर मैंने इश्यूड था ये लास्ट ईयर का 2022 वाला। देखो रीपर्चेज ऑफ शेयर, बायबैक, बायबैक को रीपर्चेज बोलते हैं, इसलिए आपका शेयर कम हो गया। और देखो ये रिटेन्ड अर्निंग है ना लास्ट ईयर वाला, इसमें इस साल का प्रॉफिट ऐड हो गया। ये देखो ये प्रॉफिट ऐड हो गया, इतना रुपया मैंने डिविडेंड दे दिया। देखो लेस होके रिटेन अर्निंग कम हो गया। यस और नो? तो इस तरीके से बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। दिस इज माई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सी दिस इज माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारी कमाई है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किया, राइट। और ये नेगेटिव है, इसका मतलब रीपेड, जो लिया था रीपेमेंट कर दिया। अभी ध्यान से देखना, इस साल हमने जो भी कमाया $54,000 इन मिलियंस छोड़ दो, उसमें से 17 लगभग मेरा एक्सपेंशन में यूज हुआ। जैसे कैसे मालूम चला सर आपको, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है हमने, इन्वेस्टमेंट्स किया है हमने,
शेयर खरीदा है हमने, देखा राइट तो इसीलिए ये नेट में नेगेटिव आ रहा है। अच्छी बात है, ये कमा के सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां देखिए लोन चुकाया है, देखो रीपेमेंट्स, ब्याज दिया है, देख रहे हैं। तो इस बार हमने जो कमाया है उस कमाए हुए पैसे से हमने एक्सपेंशन भी किया है, अपना कर्जा भी कम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये सब जब स्टडी करोगे ना अच्छा फील होगा अपने आप में, राइट। नोट्स मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, बना तो लिया, सबके बगल में आप देख रहे थे 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे नंबर्स थे ना। ये पैराग्राफ आप लोग पढ़िए, अब पढ़ के ईमान से बताइएगा कि मैंने आपको ये बताया है कि नहीं बताया है। पढ़िए,
आपने पढ़ा? कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना है इन अकॉर्डेंस विथ यूके अडॉप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, एंड विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूके कंपनीज एक्ट एज एप्लीकेबल टू कंपनीज रिपोर्टिंग अंडर दो स्टैंडर्ड्स. कंपनीज एक्ट 2006 बोलता है ड्राफ्ट एज पर आईएएसबी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करके आप अकाउंट्स को ड्राफ्ट करिए. हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ आईएफआरएस. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे हमने चीजों को फेयर वैल्यू में दिखाया है. कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हुई है. मैंने बोला था ना, आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार फॉलो करेंगे, ईयर आफ्टर ईयर आपको फॉलो करते रहना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस. आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, लेकिन कुछ कुछ जगह में चेंज करना पड़ा. क्यों करना पड़ा? मैंने आपको बताया था, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप एवे चेंज नहीं कर सकते अनलेस कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अमेंड हो जाए, उसमें बदलाव आ जाए. देखिए यहां पे लिखा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और इनकम टैक्स वाले में अमेंडमेंट आ गया है, राइट. रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्या पॉलिसी है इनका? Revenue is recognized when control of the product has been transferred to the customer. Research and development का, property, plant and equipment, सब चीज के बारे में बताया गया है. Depreciation, impairment, ये मैं आपको समझाऊंगा. What is impairment? मैंने एक asset खरीदा, इस एसेट से क्या होगा? राइट, मैंने एक एसेट खरीदा, इस एसेट से क्या होगा? सर आप अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करोगे, राइट. तो मैंने 1,00,000 में खरीदी है, तो जाहिर सी बात है इससे मेरे को बेनिफिट्स 1,00,000 से ज्यादा मिलेगा. बट बेटा टेक्नोलॉजी का क्या बोलू मैं, माय कॉम्पिटिटर हैज कम विथ अ बेटर टेक्नोलॉजी नाउ. माय कॉम्पिटिटर हैज कम विथ अ बेटर टेक्नोलॉजी, तो मेरा क्या हुआ, मेरा जो एसेट है अब उससे मेरे को उतना मुनाफा नहीं होगा. मतलब तो प्रेजेंटली मेरे पास जो एसेट है जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए है, उससे मैं फ्यूचर में उतना बेनिफिट डिराइव नहीं कर पाऊंगा. कितना कर पाएंगे सर? 70,000 खाली. तो इसकी जो कैरिंग वैल्यू 1,00,000 है उसको मेरे को 70,000 में लाना पड़ेगा. दैट इज इंपेयरमेंट. व्हेन योर एसेट्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू द एक्सपेक्टेड बेनिफिट, रिड्यूस इट्स कैरिंग वैल्यू, दैट इज इंपेयरमेंट. हमारे पास एसेट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, चलो चलो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है. अरे भैया किसको दिखा रहे हैं? क्या है इस एसेट का वैल्यू?
क्या कमाएंगे इससे फ्यूचर में, बताइए ना, व्हाट बेनिफिट दिस एसेट इज गोइंग टू गिव यू? यू आर शोइंग दिस एसेट एट 1 लाख, हा? किसको फूल बना रहे हैं आप? एडमिट दैट इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इसका इंपेयरमेंट करिए. सो यू नीड टू रिड्यूस इट्स कैरिंग वैल्यू, दैट इज इंपेयरमेंट. When our assets are not going to give you the expected benefit, reduce its carrying value. Right? ये सब impairment किया गया है इस साल. राइट अभी मैं आपको एक तो इंश्योरेंस कंपनी का दिखाता हूं, देखना बहुत जरूरी है हम लोगों को ये सब चीज. ये भी वही 200 पन्ने का था. कंपनी का नाम है बजाज अलायंस. राइट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट ठीक है. ट्वेंटी सेकेंड एनुअल रिपोर्ट, राइट. पूरा एक्सप्लेन किया है इस साल क्या हुआ हमारे साथ, कोविड के बाद में, पैंडेमिक के बाद में इंडस्ट्री हैज एक्सेलरेटेड, राइट. इस तरीके से पूरा लोग अपना बताया है. और मैंने बोला था ना की हाइलाइट्स, की हाइलाइट्स वो बताना पड़ेगा आपको. देखिए आपने की हाइलाइट्स बताया है आपके कंपनी का, प्राइवेट सेक्टर का, एलआईसी का, राइट. की हाइलाइट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट. वी हैव ऑडिटेड बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैंने आपको बताया था ना, दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखा रहेगा. मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, राइट. ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सप्रेस ओपिनियन. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट चीज. ऑडिटर खाली फाइनेंशियल फिगर्स पे कमेंट नहीं करेगा, नंबर्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हा? बीओडी, इंटरनल कंट्रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. व्हाट इज दिस इंटरनल कंट्रोल, अगेन शेयरहोल्डर ने बाजार से टॉप 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 लोगों को हायर किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक टीम बना दिया, तो प्रोडक्शन में बेस्ट है, चल यू आर गुड इन मार्केटिंग, कम विद मी. आजकल तो जितना भी स्टार्टअप होता है ना, आईटी का बंदा को पार्टनर बना लेता है. टॉप टॉप प्रोफेशनल्स को मैंने हायर कर लिया, चलो लो पैसा लो, चलो चला रहा है. सब काम तो लोग खुद नहीं करेगा, मैनेजर्स अपॉइंट करेगा, उसके नीचे और आदमी आएंगे, उसके नीचे और आदमी आएंगे, राइट. कहने का मतलब है इंटरनल कंट्रोल कैसा है आपका, आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हाथ से, मैन्युअली, हाउ डू यू डू अकाउंटिंग,
नहीं सर, हमारे पास एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू अकाउंटिंग होता है। ठीक है, अभी हमारे यहां पे क्या होता था, हम लोग मटेरियल्स देते हैं ना बच्चों को, तो ऑर्डर कोई देता है, रिसीव कोई और करता है, पेमेंट कोई और करता है, तीन बार चेकिंग हो जाता है, एक रुपए का भी घपला नहीं है हमारे यहां पे। इसको बोलते हैं प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर कोई और करता है, गोडाउन में माल रिसीव होता है, तो ऑर्डर किया तो मैंने परचेस ऑर्डर तुमको दिया, माल कोई और बंदा रिसीव कर रहा है, उसके पास गुड्स रिसीव नोट है, कंपनी बिल किसी को भेज रही है अकाउंट्स ऑफिस में, रिकंसिलिएशन हो जाता है। तो ही ऑर्डर दे दे, तो ही माल ले ले, तुम ही पेमेंट भी कर दो, क्या होगा? बोलेगा माल आ गया, बिक भी गया, पूरा साफ कर देगा, राइट? सो नंबर्स एंड इंटरनल कंट्रोल, दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल शुड बी इन प्लेस, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होगा, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये भी होगा, ICFR। सो ऑडिटर को खाली ऑडिट नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब इट्स एन इंटीग्रेटेड ऑडिट। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ऑडिट, क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट, इंटीग्रेटेड ऑडिट। सो इट इज नॉट ओनली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एज वेल। राइट, सो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, दैट एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, ऑडिट दोनों का होगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑडिट, राइट? ओपिनियन, राइट, इस तरीके से। अब रेवेन्यू अकाउंट, मतलब ये एक टाइप का पीएल हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट समझ लो, ग्रॉस प्रॉफिट। इंश्योरेंस कंपनी में दो टाइप का पीएल बनता है, एक होता है बिजनेस वाइज और एक होता है पीएल, जहां पे सारा बिजनेस का प्रॉफिट को क्लब किया जाता है। देखो सब टाइप का पॉलिसी है यहां पे, राइट? ये मैं आपको बताऊंगा अभी। मैंने आपको क्या बोला था, प्रीमियम इनकम होता है, याद है? हाँ, दिस इज माय प्रीमियम इनकम, ठीक है, ये मेरा प्रीमियम इनकम हो गया, क्लियर? ठीक है, ये देखो क्लेम्स पेड, ये मेरा एक्सपेंस हो गया, आया ना? इज इट फाइन? राइट, तो ये मेरा प्रीमियम हो गया, दिस इज प्रीमियम, कमीशन एक्सपेंस हो गया मेरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मेरा एक्सपेंस हो गया, हाँ या ना? और ये मेरा क्लेम्स पेड मेरा सी हो गया। तो मैंने आपको नेट प्रॉफिट क्या बताया था, इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम इज ए, क्लेम्स पेड इज सी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज बी, कमीशन इज ऑल्सो बी। सेकेंड या थर्ड क्लास में मैंने ये चीज डिस्कस किया है आपको, देखो वही हुआ है, ए माइनस बी माइनस सी, ये पूरा क्लेम्स रिलेटेड है, ये पार्ट सी,
और यहां पे हमारा कमीशन अदर एक्सपेंसेस है और पार्ट ए में हमारा प्रीमियम इनकम है। तो ए माइनस बी माइनस सी, राइट। उसके बाद देखिए अलग अलग टाइप का बिजनेस है, ये देखिए अब आया पीएल। राइट, नाउ लेट इस आई शो यू फॉर एलआईसी। देखो एलआईसी का देखो रेवेन्यू अकाउंट दिख रहा है यहां पे, सी दिस इज रेवेन्यू अकाउंट। अलग अलग टाइप का पॉलिसी है, दिस इज प्रीमियम इनकम, दिस इज एक्सपेंस, दिस इज एक्सपेंस, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस, ए माइनस बी माइनस सी। तो जितना भी टाइप का आपका बिजनेस है ना, सबका अलग अलग। जैसे ये तो लाइफ हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जब आप जाएंगे ना, फायर, मैराइन, मिसलेनियस, इस हेल्थ, इस तरीके से कैटेगरी होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको सबका जब बन जाएगा, ये देखो अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट, ये रेवेन्यू अकाउंट से ये टोटल प्रॉफिट आया है। अब इसमें अदर इनकम, इंश्योरेंस कंपनी का अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी होता है। अगर आप प्रीमियम का रुपया को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई रिपीट, देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ना यहां पे, यहां भी देखिएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप, देख रहे हैं है ना, दो जगह दिख रहे हैं। तो दिस इज अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ, क्योंकि क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में, क्या होता है आप पैसा देते 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 मैच्योरिटी में आपको सम एश्योर प्लस बोनस मिलता है, अगर आप प्रॉफिट लिंक्ड पॉलिसी लिए हैं तो, विद बोनस वाला। एक विदाउट बोनस होता है जिसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। तो प्रीमियम का रुपया इन्वेस्ट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहां आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है शेयर होल्डर का पैसा, राइट, उसका पैसा अगर इन्वेस्ट होगा सो वो इंटरेस्ट इनकम यहां आएगा, यस और नो बोलिए। ये हमारा अदर एक्सपेंसेस हो गया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। राइट, सो IFOA में अभी तक इसका बड़ा क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ है, बट II में नवंबर 2023 में दे हैव टेस्टेड दिस। हमने हमारे बच्चों को पहले करवा दिया था इस टाइप का सम्स, राइट। ये ईयर का बिगिनिंग बैलेंस, ये हमने डिविडेंड दे दिया, देखिए यहां पर भी अर्निंग पर शेयर है, देख रहे हैं आप, कैन यू सी, बैलेंस शीट मैंने अभी दिखाया आपको, इसकी जो बैलेंस शीट की फॉर्मेट है ना, राइट, जब अपने करेंगे चैप्टर 30 नई इंश्योरेंस कंपनी, इसकी बैलेंस शीट की फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में नहीं है,
जैसे हमारे इंडिया में बैंकिंग कंपनीज, इसका फॉर्मेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट का जो पैटर्न है दैट इज एज पर आईआरडीए नॉर्म्स एंड इंश्योरेंस एक्ट। वैसे हर कंट्री का अपना अपना है राइट। तो ये जो बैलेंस शीट फॉर्मेट है आप अभी अभी जो मैंने दिखाया देख रहे, उसमें पहले एसेट्स आ रहा था लेकिन यहां पे पहले लाइबिलिटीज आ रही है। कैन यू सी हियर राइट। और इसके आइटम्स भी अलग हैं। तो जब मैं आपको कराऊंगा इसमें एसेट्स नीचे आ रहा है, फॉर्मेट अलग है राइट। सो इस तरीके से आपको खाली एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स देखना है, घर पे आप इसको स्टडी करिए राइट। एंड आने वाले क्लासेस में हम लोग, तो जो भी हम लोग को बेसिक करना था, जितना भी नॉलेज मेरे को आपको देना था दैट वी हैव गिवन। नाउ नेक्स्ट क्लास वी विल गो टू न्यूमेरिकल्स, हाउ टू प्रिपेयर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स राइट। सो यूजुअली क्या होता है, आपको एक ट्रांजेक्शन दे देता है, आप जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन यू गो फॉर फाइनल अकाउंट। बट हमारे एग्जाम में लेजर एंड जर्नल टेस्ट नहीं होगा, सिंपली दे विल गिव अस ट्रायल बैलेंस एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग ये वाला स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।